हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज राजकुमार शर्मा। माय नेम इज आरकेएस सर। आई एम बीटेक फ्रॉम आईआईटी धनबाद एंड आथर ऑफ रोडो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आज मैं 2021 का पेपर 2 का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ और एक अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देखिए, मैं क्वेश्चन ओपन कर रहा हूँ। और एक अच्छा क्वेश्चन, रियल में अच्छा क्वेश्चन ये कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है और ये है 7 to 8, दो क्वेश्चन इसमें। प्लास्टिक बॉटल है, एक बार रीड कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अन सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, ये प्लास्टिक का सॉफ्ट बॉटल है, फिल विद द वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेंशन कर लेंगे इन चीजों को। कैरीज एन इन्वर्टेड ग्लास टेस्ट ट्यूब विद द सम एयर। इसमें एक टेस्ट ट्यूब है, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब का मतलब जो पर्ख नली होता है ना, ट्यूब, केमिस्ट्री में नहीं यूज करते हो, प्रैक्टिकल करते हो, ट्यूब है। इन्वर्टेड ट्यूब, इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर डाल दिया गया, यूट्यूब, इन्वर्टेड यूट्यूब, इसमें डाल दिया गया। कुछ एयर बीच में ट्रैप है, कुछ एयर बीच में ट्रैप है। द टेस्ट ट्यूब हैज मास 5 ग्राम, इसका मास 5 ग्राम है एंड इट इज मेड ऑफ द थिक ग्लास ऑफ डेंसिटी 2.5। जो ग्लास है इसका डेंसिटी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इनिशियल द बॉटल इज सील्ड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। इतना अब इस बॉटल को, चूंकि बॉटल पूरा पानी भरा हुआ था, उसमें यूट्यूब उल्टा करके डाल दिया। कुछ ट्रैप एयर का है, मास दिया गया बॉटल ट्यूब का, डेंसिटी दिया गया बॉटल का, यूट्यूब का, और उसको जो ऊपर कॉर्क से अपने उसको क्लोज कर दिया और अंदर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10.5 है इनिशियली, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर, इसमें जो वॉल्यूम ट्रैप्ड है दैट इज 3.3 cc। व्हेन द बॉटल इज स्क्यूज्ड, अभी जो बॉटल है ना, ये बॉटल इसको ऐसे स्क्यूज्ड करते हो, जब प्रेस करोगे ना, जब मैं प्रेस करोगे ना, तो ये वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। स्क्वीज़ फ्रॉम द आउटसाइड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, द प्रेशर इन साइड राइज, अंदर का प्रेशर रेज करता है एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रैप एयर रिड्यूस। इट इज फाउंड दैट द टेस्ट ट्यूब बिगेन टू सिंक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बिगेन टू सिंक। सिंक, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ये इस पानी में सिंक करना शुरू करता है। सिंक, पहले नहीं सिंक कर रहा था, पहले ये जो सरफेस है ना, वो इस कार को धक्का मार रहा होगा, बायंसी ज्यादा होगा, इससे बायंसी ज्यादा आएगा, इसके ऊपर आ रहा होगा, इसके वजह से ये जो इसका हेड है ना, हेड ऐसे ठोकर मार रहा होगा। अब जब तुमने इसे प्रेस किया तो क्या हुआ कि अंदर यहाँ का प्रेशर जब बढ़ाओगे तो यहाँ का वॉल्यूम घटेगा, जब वॉल्यूम घटेगा यहाँ का, तो नेट बायंसी क्या होगी, घटेगी, डिस्प्लेस लिक्विड का वेट घटेगा। जब घटेगा बायंसी, तो mg के जब बराबर होगा बायंसी, तो ये वाला कॉन्टेक्ट इससे छूट जाएगा, फिर वो सिंक करना शुरू कर देगा। व्हाट इज द बायंसी फोर्स? बायंसी फोर्स इज वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, बड़ा अंडरलाइन इंपॉर्टेंट, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड। तो ये लिक्विड है, ये डिस्प्लेस लिक्विड क्या है, ये जो मेटेरियल होगा इसका वॉल्यूम और इस एयर का वॉल्यूम बायंसी फोर्स के बराबर आएगा। बायंसी फोर्स उस वॉल्यूम से आएगा, डिस्प्लेस वाटर उतना ही होगा ना, जितना ये मेटेरियल का वॉल्यूम है और जितना इस एयर का वॉल्यूम है, बायंसी फोर्स इसके वेट के बराबर आएगा। जब अंदर का वॉल्यूम घटेगा तो नेट वॉल्यूम घट गया, समर्स वॉल्यूम घट गया, मतलब डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम घट गया। जब डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम घटेगा तो फिर क्या होगा, बायंसी फोर्स घटेगी। जब बायंसी फोर्स घटेगी तो जो mg होगा नीचे की ओर, वो जब बायंसी फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो जब टेस्ट ट्यूब होगा नीचे को आना शुरू करेगा। वही कह रहा है कि बिगेन टू सिंक एट द प्रेशर ऑफ पी नॉट प्लस डेल्टा पी। जब अंदर का प्रेशर आपने इंक्रीज करके डेल्टा पी इंक्रीज कर दिया, जिसके वजह से नेट प्रेशर पी नॉट प्लस डेल्टा पी हो गया, ये सिंक करना शुरू कर दिया। उस समय जो ट्रैप्ड एयर है उसका वॉल्यूम, जो एयर है ना ये, इसका वॉल्यूम वी नॉट माइनस डेल्टा पी हो जाता है, मतलब वॉल्यूम डेल्टा पी के बराबर घट जाता है। कह रहा है कि डेल्टा पी अगर एक्स सीसी है और डेल्टा पी वाई टू पावर 3 पास्कल है, तो एक्स और वाई की वैल्यू बताइए, एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। ठीक है, चलिए इसके लिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड लेके चलता हूँ और जो भी डेटा है यहाँ पर सारे डेटा आपको वहाँ पर लिखेंगे,
ताकि मैं क्वेश्चन को इजीली हैंडल कर सकूं, तो लिखना जरूरी है, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड पे चलता है और क्वेश्चन नंबर 7 to 8 है ना, पेपर 2 है। अब इसमें एक बॉटल बना लिया जाए, ऐसे बॉटल बना लीजिए और यहाँ पे एक कार्ड बना दीजिए जैसा, इसमें लिक्विड है। अब तुम्हारा जो यूट्यूब था ना टेस्ट ट्यूब, वो बेसिकली इसमें है, ऐसे है। इसमें पहले थी, हटा दी थी इसमें से, यहां से एक अच्छा सा डायग्राम बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कम हो। नहीं चलो एक अच्छा डायग्राम बनाते हैं। देखो डायग्राम कैसे है, इस तरीके से डायग्राम से इसे बना लेते हैं, फिर देखो। ओके तो देखिए, ये मैंने डायग्राम बना दिया। तो ये यूट्यूब है और ये एयर है यहाँ पे, बाकी तो चारों तरफ लिक्विड है। पहले प्रेशर कितना था, पी नॉट था, तो तुम मुझे बताओ। अब सारा डेटा पहले लिख लें, वाटर की डेंसिटी दिया जाए, वाटर डेंसिटी इज 1 सीजीएस यूनिट में, मास ऑफ ट्यूब इज 5 ग्राम सीजीएस यूनिट, वॉल्यूम ऑफ एयर, इस एयर का वॉल्यूम वी नॉट जो है 3.3 है सीसी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो पी नॉट है 10^5 है, आइसोथर्मल इसके स्क्वेज करते हैं, और डेंसिटी ग्लास का 2.5 है, 2.5 है डेंसिटी। ये जो ग्लास का मटेरियल है, ये जो मटेरियल है ना, ये जो मटेरियल है, इसकी जो डेंसिटी है, इसकी जो डेंसिटी ग्लास के मटेरियल की, इस तरीके से ना, इस मटेरियल की जो डेंसिटी है ग्लास के मटेरियल की, दिस इज 2.5 सीसी, सीसी करो ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ डेटा। अब सब लिख लिया डेटा, हाँ आपने सब लिख लिया, इसके अलावा सब आपने लिख लिया। डेटा लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख रहे हो, मैं भी डेटा लिख रहा हूँ, तुम्हें भी कह रहा हूँ कि तुम भी डेटा लिखो, ठीक है। ओके अब चलो, इनिशियली क्या होगा मैं बताता हूँ ना, एक ही करके समझ लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एक ही करके समझ लेते हैं। एक काम करते हैं भैया, ये इस पानी में हैंग कर रहा है, क्यों हैंग कर रहा है, क्योंकि जो बायंसी फोर्स होगा वो mg से ज़्यादा होगा, तभी तो ऊपर को ठक्कर मार रहा है, ठक मार रहा है। चेक इट, सॉल्व करने के बाद चेक इट, चेक करो बायंसी फोर्स कितना होगा। बायंसी फोर्स इज नथिंग बट वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, लिक्विड ये जो मटेरियल है ये कितना वेट डिस्प्लेस किया है, निकाल लें, भी रोजी हुआ ना, तो भी वॉल्यूम मास 5/2.5, मास को डेंसिटी से डिवाइड कर दो, तो मटेरियल का वॉल्यूम हो गया 5/2.5। देखो ये बन गया मटेरियल का वॉल्यूम 5/2.5, ये मटेरियल का वॉल्यूम बन गया, और ये कितना है 3.3, ये है एयर का वॉल्यूम, तो टोटल कितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ भाई। इस अगर तुम्हें जानना हो ना कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इस पूरे यूट्यूब को यहाँ से निकाल के फेंक दो बाहर, अब जितना जगह पानी जाके भरेगा वही तो डिस्प्लेस हुआ है, तो पानी कितना जगह भरेगा, तो जो एयर है इस जगह को भी भरेगा, और ये जो मटेरियल का पार्ट है इस जगह को भी भरेगा, टोटल वॉल्यूम इतना होगा। तो भी रो, रो लिक्विड का बायंसी फोर्स इंटू जी, जी हटा दो, ठीक है इसको जी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये वैल्यू क्या होगी, सीजीएस सिस्टम में मान के चलेंगे, तो ये बन गया 2, ये बन गया 5.5 g, इसका मतलब 5.5 kgf है बायंसी फोर्स, और 5.5 kgf है, और 5 kgf इसका क्या है, इसका वेट है, 5 kgf इसका वेट है ट्यूब का, अब 5.5 kgf बायंसी लग रहा है, तो क्या होगा, बताओ क्या रहा था ना, क्या होगा, क्या होगा, ऊपर का जो कार्क है, जो कार्क है वो इसको नीचे को धक्का मारेगा, ताकि वो एन इस बायंसी को इक्वेट कर दे। इनिशियली क्या होगा,
अगर YouTube के वीडियो बनाते ना, एन तुम इधर दिखाते, एम जी 5G इधर दिखाते, और ये बैलेंसिंग फोर्स ऊपर को दिखाते 5.5। तो नेट फोर्स बैलेंस करो तो एन प्लस 5G इक्वल्स टू 5.5G, दिस मीन्स एन इज नथिंग बट 0.5G। इसका मतलब ऊपर का जो कार्क है ना, कार्क है वो 0.5G का थ्रस्ट फोर्स नीचे को दे रहा होगा, धक्का दे रहा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रुका रुका था, क्योंकि बैलेंसिंग ज़्यादा लग रहा था, वेट कम है, तो बाकी किससे बैलेंस होगा, ऊपर के कार्क से बैलेंस होगा। अब क्या हुआ स्पेशली, अब हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए, अब जा रहे हैं हम सॉल्व करने के लिए। इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, अब जब तुम इसको स्क्वेज करोगे, स्क्वेज करोगे जब ऐसे प्रेस करोगे, यहां का वॉल्यूम घट रहा, यहां का प्रेशर बढ़ रहा, तो अब फिर इसी पे फॉर्मूला लगाएंगे, जब ये जस्ट सिंक करना शुरू करेगा, जस्ट सिंक करना शुरू करेगा, तो बायंसी फोर्स इसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर होगा। जस्ट सिंक करना शुरू कर रहा मतलब एन की वैल्यू जस्ट जीरो हो जाएगी, जस्ट एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अगर एन की वैल्यू जीरो हो गई तो जो बायंसी फोर्स आएगी, बायंसी फोर्स दिस इज, ये तो ही बनेगा बायंसी फोर्स, कैसे लिखोगे, 5/2.5 एंड प्लस 3.3, और कितना वॉल्यूम घट गया, डेल्टा बी, वही तो कहा है कि वॉल्यूम घट के क्या हो गया, वॉल्यूम घट के देखो यहाँ लिखा हुआ वी नॉट माइनस डेल्टा वी, और वी नॉट किसके बराबर 3.3, तो वॉल्यूम डेल्टा वी के बराबर घट गया। तो ये मटेरियल का वॉल्यूम और एयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 3.3 माइनस डेल्टा वी, वी रो ऑफ वाटर इंटू जी, वी रो जी बराबर। अब जस्ट सिंक कर रहा है, जस्ट सिंक कर, तो बैलेंसिंग फोर्स एम जी को बैलेंस करेगा, एम जी की वैल्यू कितनी है, 5G है, कैंसिल आउट हो गया। इससे क्या आएगा, ये 2 5.5, व्हाट इज डेल्टा बी, डेल्टा बी इज नथिंग बट 0. कितना आएगा बता सकते हो, डेल्टा बी इज ये कितना था, 5.5, इट इज 0.5 ना, 0.5 cc, इतना वॉल्यूम आ जाएगा। ओके ओके, अच्छा इसमें मैंने फिर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया, ये जो वैल्यू बनेगी ना, इसको यहाँ सेट ऑफ, दिस इज 0.3, 0.3 cc, क्योंकि देखो ये क्या बनेगा, ये 2 बनेगा 5.3, इसे 5 से टेक करो तो 0.3 cc, तो वॉल्यूम मिल गया मुझे, ठीक है, कि कितना वॉल्यूम बेसिकली इस गैस का हटा होगा, आंसर इज 0.3। अब कह रहा है कि बताइए गैस इसका प्रेशर, अंदर का प्रेशर कितना इंक्रीज कर गया, डेल्टा पी कितना इंक्रीज कर गया। अब कह रहा है कि जो गैस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, लिखा ना कि एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्या गया है कहीं, देखो कहीं लिखा होगा, पढ़ के देखना, इसमें कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे ये सारी घटनाएं घट रही, मतलब जो अंदर का जो गैस है ना, अंदर का जो गैस है, ये अंदर का जो गैस है ना, ये गैस ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो आइडियल गैस है, तब क्या लगाएंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, तो P1V1 इक्वल टू P2V2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे, तो हम लिखेंगे P1V1 बराबर P2V2। अच्छा इनिशियल प्रेशर क्या था, P0, इनिशियल प्रेशर P0 था, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, 3.3, इनिशियल वॉल्यूम 3.3 थी ना, देखो गैस का 3.3 था, P1V1 इक्वल टू P2V2, फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P0 प्लस डेल्टा P हो गया, एंड फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया भाई, पहले वॉल्यूम कितनी थी, देखो पहले वॉल्यूम थी 3.3 वॉल्यूम था ना, कहाँ गया, 3.3 था, अब 0.3 वॉल्यूम घट गया तो बच कितना गया, 3 बच गया, तो 0.3 बच गया, तो 0.3 बच गया, तो हम क्या करेंगे, देखो पहले कितना वॉल्यूम था, 3.3 था, अब 0.3 के बराबर घट गया, वॉल्यूम घट गया तो कितना वॉल्यूम बच गया, 3, यहाँ पर लिख दो 3। अब यहाँ से कितना आएगा, 1.1 P0 इज इक्वल टू P0 प्लस डेल्टा P, बनेगा ना, यहाँ से बनेगा 0.1 P0 इज इक्वल टू डेल्टा P, व्हाट इज डेल्टा P, डेल्टा P इज 0.1 इंटू, अब P0 की वैल्यू उन्होंने दे रखा है कितना, P0 इज 10^5, तो अब क्या लिखेंगे, 10^5, तो यहाँ पे 10^5 लिखिए, तो वैल्यू हो जाएगी 1 × 10^4, तो ये लिखोगे 10 × 10^3,
उन्होंने कहा कि 10 × 10³ है ना, देखो वट इज वाई, वाई डिवाइड हो जाएगी 10 के बराबर, ओके देन वाई बिकम्स 10। ठीक है, तो हम क्या आंसर करेंगे, हम आंसर करेंगे इसका आंसर देगा 0.3 और इसका आंसर देगा 10। गॉट इट? तो समझ गए होगे, एक अच्छा क्वेश्चन था। थैंक यू।